तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कर्म के ऊपर। कर्म क्या होते हैं? जो भी विचार हमारे मन में आता है, या जो कोई भी शब्द हम बोलते हैं, या कोई भी क्रिया या काम जो करते हैं, वो सब कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्म, बुरा कर्म और तीसरा अकर्म। अच्छा कर्म जो होता है वो सकारात्मक कर्म होता है, बुरा कर्म नकारात्मक होता है। अकर्म का इनमें से किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है उसका कर्म आरंभ हो जाता है और अंतिम श्वास तक कर्म करता रहता है। इसलिए मानव जीवन को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। मानव जीवन में कर्म के फल से ही सुख दुख आते हैं। यदि कर्म अच्छा है तो सुख की अनुभूति होती है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा हार्ट चक्रा बढ़ने लगता है। वहीं यदि कर्म दुखद हो तो हमें दुख की अनुभूति होती है, हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है, हमारा हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। तो जो कर्म करने से लोगों को सुख की प्राप्ति होती है, जैसे दान देना, गरीबों को खाना खिलाना आदि, और जो कर्म दूसरे मनुष्य और प्राणी को कष्ट पहुंचाता है वो विकर्म होता है, जैसे किसी को परेशान करना। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। इसलिए कर्म से पुण्य होता है और विकर्म से पाप। इसलिए हमें अपनी सोच का और कर्म का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों का व्यवहार हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनका व्यवहार उनका कर्म है, उससे उनका भाग्य बनता है। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, वह हमारा कर्म है, क्योंकि उससे हमारा भाग्य बनता है। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो किस्मत को दोष देने की बजाय, पंडितों से पूछने की बजाय, खुद से कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा पा रहा हूँ, हम खुद से कभी नहीं पूछते यह सवाल। जिस दिन आप खुद से पूछकर उस समस्या का हल निकाल लोगे, उस दिन आप लोग कामयाब होने शुरू हो जाओगे। इसलिए कर्म करो, कर्म ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। कोई भी व्यक्ति कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। अगर आप कर्म करते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देता है, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो किस्मत का लिखा भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म से आप किस्मत में जो नहीं लिखा उसे भी हासिल कर सकते हो। भाग्य से आप कर्म को नहीं जीत सकते, बल्कि कर्म से आप भाग्य को जीत सकते हो। पुरुषार्थ से मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है, जो चाहता है वो सब हासिल कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कर्म पर जोर दिया है, कर्म प्रधान व्यक्ति हर हाल में फलते फूलते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपनों को सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर कांप गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का संदेश दिया और कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, पहले तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा, अपना कर्म करना पड़ेगा। तुलसीदास ने भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह है कि हम अपना काम करें, फल की इच्छा बाद में करें। तो शुक्रिया उनका जो हमें सम्मान देते हैं, लेकिन जो हमसे सही व्यवहार नहीं करते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना आते तो हम झुकते नहीं, हम झुकते नहीं तो हमारा अहंकार घटता नहीं, अहंकार घटा तो हमने सही कर्म किए, सही कर्म ने हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाया। आपने हमारा भाग्य बिगाड़ा नहीं, संवारा है। इसलिए आपका धन्यवाद है। थैंक यू।